विद्यार्थी मित्रों, मानसरोवर विद्या विहार के कक्षा 6 के विज्ञान के चैप्टर में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको जो चैप्टर की जानकारी दी जाएगी उसका शीर्षक है सजीव, उनकी विशेषताएं और उनका आवास। जैसा कि आपको पता है कि सजीवों की अनेक प्रवृत्तियां होती है, जैसे वनस्पति। प्राणियों में देखा जाए तो जलचर प्राणी, नभचर प्राणी, थलचर प्राणी, अनेक प्रकार की जाति के प्राणी हमारे पृथ्वी पे पाए जाते हैं। उनका अनुकूलन किस आधार पे होता है वो इस चैप्टर में आपको जानकारी दी जाएगी। कुछ प्राणियों का विवरण आपको इस शीर्षक में बताया जा रहा है, जिनमें सर्वप्रथम प्राणी माना जाएगा रेगिस्तान में। सभी विद्यार्थियों को पिछले कई स्तर में आपको जानकारी मिली है कि रेगिस्तान में ऊंट है। रेगिस्तान में ऊंट का आवास माना जाता है। ऊंट का आवास और अनुकूलन की जानकारी चित्र 9.2 में आपको दी जाएगी। ऊंट काफ़ी समय तक अपने जीवन यापन के लिए मरुस्थल में रह सकता है। मरुस्थल के गर्म वातावरण में होते हुए भी वह अपने जीवन यापन का आधार ढूंढ ही लेता है। आवास के मद्देनज़र रखते हुए ऊंट अपने जीवन यापन का आधार मरुस्थल में ढूंढता है। तत्पश्चात अनुकूलन। अनुकूलन अर्थात क्या, आप लोगों को यह जानकारी दी जाएगी। आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि आवास के साथ साथ प्राणियों का अनुकूलन अर्थात क्या। परीक्षा में भी यही प्रश्न किया जाता है कि अनुकूलन अर्थात क्या, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि अनुकूलन प्राणियों की विशिष्ट संरचना तथा उनके स्वभाव, उनके रहन सहन, उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर उनको जो सुविधाएं मिलती है, जो उनके ऊपर आधारित होती है, यह उन प्राणियों का, उन सजीवों का अनुकूलन कहलाता है। अर्थात जंतुओं को उनको उनके परिवेश में रहने योग्य जो बनाती है वह प्रवृत्ति कहलाती है उन प्राणियों का अनुकूलन। उसके पश्चात आवास के बारे में जानकारी दी जाए तो रेगिस्तान के अंदर मरुस्थल में जहाँ पर जल की मात्रा बहुत कम होती है, उस जल के अभाव के वातावरण में भी ऊंट अपना जीवन यापन किस तरीके से करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर रेगिस्तान के अंदर ना जल का पूर्ण रूप से उनकी आपूर्ति नहीं होती है। उसके पश्चात भी वो काफ़ी समय तक वहाँ पर रह सकते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि ऊंट के शरीर में ऐसी क्षमता होती है कि वो काफ़ी समय तक अपने शरीर के अंदर जल की मात्रा को परिपूर्ण रूप से रख सकते हैं। इस तरीके से उनको इस बात का अभाव नहीं होता है और श्वसन क्रिया के आधार पर आसपास के वायु और वहाँ के वातावरण को मद्देनज़र रखते हुए, वहाँ के वातावरण को झेलते हुए वो काफ़ी समय तक जल के बिना रह सकते हैं। इसके पश्चात ऊँट के पैरों में एक गद्देदार ऐसी प्रकृति के द्वारा देन दी गई है उनको, कि उनके पैर इतने गद्देदार होते हैं कि वहाँ का गर्म वातावरण होते हुए भी वो आसानी से रेगिस्तान में चल फिर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यह तो हुई थलचर प्राणी अर्थात रेगिस्तान में रहने वाले प्राणियों के बारे में चर्चा। उसके पश्चात हमारे इस पाठ के चैप्टर में विवरण आता है जलचर प्राणियों का। जलचर प्राणियों में जैसे आप लोगों ने देखा है कि नदी, तालाब, समुद्र, इनमें अनेक प्रकार के जलचर प्राणी निवास करते हैं। उसमें सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण प्राणी गिना जाता है मछली। मछली में अनेक प्रकार की समानता दिखाई जाती है।
जैसे इसी के आधार पर थलचर प्राणी में भी, जैसा हमने ऊँट के बारे में जाना, तो ऊँट में एक विशेष विशेषता और होती है कि ऊँट के शरीर में, मतलब इस आधार पे कि रेती में इतनी गर्मी होते हुए भी उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है और मल उनका शुष्क होता है, अर्थात उनको बार बार इन सब प्रवृत्तियों से नहीं गुजरना होता। उन्हें पसीना भी कम आता है क्योंकि शरीर से उनके जल का ह्रास, मतलब जल का व्यय बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना वो काफ़ी समय तक रह सकते हैं। जी में भी यही विशेषता पाई जाती है कि वो जल के अंदर ही, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे मन में ये प्रश्न भी आता होगा कि कहा जाता है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ से परिपूर्ण होती होगी। तो जलचर प्राणियों में मछली को वह मात्रा, वही ऑक्सीजन की मात्रा जल से ही प्राप्त होती है। मछलियों में अनेक प्रकार की छोटी मछली, बड़ी मछली, आकार में और काफ़ी उनकी आकृति में समानता दिखाई देती है। यह उनके सभी का शरीर धारा रेखीय होता है, अर्थात मछलियों के शरीर पर एक विशेष प्रकार की धाराएं बनी होती है, जो वो कि हम पिछले चैप्टर में जान चुके हैं। और यही विशेष धारा रूपी जो रेखाएं होती है, यह उनके जल के अंदर विचरण करने में, अर्थात जल में तैरने में उनको सहायता प्रदान करती है। मछलियों के शरीर में एक विशेष प्रकार के चिकना शल्क जो उनका शरीर होता है, जो इन मछलियों को उनकी जान बचाने में, अर्थात उनकी सुरक्षा को प्रदान करने में सहायक होते हैं। जैसे कि हम उनको हाथ से पकड़ना चाहें तो मछली फिसल कर, उनका शरीर जो होता है फिसलनदार हो जाता है, और फिसल कर वो मछली अपनी जान की सुरक्षा कर लेती है। इसलिए मछलियों के शरीर में जो शल्क होता है, वही शल्क से वह अपने शरीर को, अपनी जान को बचाए रखती है। दूसरा अंग उनका गिना जाता है पंख या और उनकी पूंछ। तो मछलियों के पंख और पूंछ चपटे होते हैं, जो उन्हें जल के अंदर, पानी के अंदर दिशा को परिवर्तन करने में, अर्थात उनको दिशाओं का संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ मछलियां दिशा सूचक को ज्ञान करते हुए वो तैर सकती हैं और अपना जीवन यापन करती है। इसके पश्चात मछली में एक गिल रूपी उनका एक अंग गिना जाता है, जिसे हम क्लोम के नाम से भी जान सकते हैं, जो उन्हें श्वास लेने में सहायता प्रदान करते हैं। मतलब जल के अंदर रहते हुए भी मछली गिल रूपी अंग से श्वसन क्रिया करती है और अपना जीवन यापन करती है। उनको ऑक्सीजन की मात्रा इन सब अंगों की सहायता से जल के अंदर ही प्राप्त होती है। यह होती है मछली के जीवन यापन की संरचनाएं। जिस प्रकार हमने वनस्पतियों के और प्राणियों के अनुकूलन के बारे में जाना कि जंतुओं के परिवेश को मद्देनजर रखते हुए उनको परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, वह उनका अनुकूलन कहलाता है। उसी प्रकार किसी सजीव का वह स्थान जहाँ वह रहता है, जहाँ अपने जीवन यापन करने की उसको जगह मिलती है, वही जगह, वही स्थान उनका आवास कहलाता है। तो आगे के कथन में हम जानेंगे आवास के बारे में, जहाँ पर अपने भोजन, वायु जैसे ऑक्सीजन, उनके रहने का स्थल, इनको आवश्यकता पूर्वक उनको जहाँ पर मिलता रहे, वह उनके आवास के नाम से जाना जाता है। और सभी जीव, सभी सजीव, सभी प्राणी, वनस्पति अपने आवास पर निर्भर करते हैं। आवास का अर्थ है वास स्थान, आ प्लस वास, मतलब जहाँ पर जो प्राणी अपना वास करते हैं। जैसे कि मानव जीवन में हम जिसको घर कहते हैं, तो यही जीव जंतुओं और वनस्पतियों का जो घर है, वही उनका आवास कहलाता है। जैसे कि जो जल में रहने वाले जो प्राणी हैं, उनका आवास कहलाता है जलीय आवास। इसी प्रकार
जो स्थल पर रहते हैं यानी जमीन पर जो निवास करते हैं, जमीन पर अपना जीवन यापन करते हैं, उन प्राणियों का जो आवास है वो कहलाता है स्थलीय आवास। सभी प्राणी अपने अपने आवास पर जीवन यापन करने के लिए निर्भर होते हैं और इसी जीवन यापन करने की क्रिया के आधार पर जो वन में, घास के मैदानों में, मरुस्थल में, तट पर, पर्वतीय क्षेत्रों में, सभी जगह पर अनेक प्रकार की विषमताएं यानी विभिन्नताएं पाई जाती है जो कि हर एक प्राणी के आवास पर सत्य उतरती है और उनके आवास को निर्धारित करती है। सजीव प्राणियों के जीवन यापन के लिए जो उनके प्रवृत्तियों के अंदर शामिल होते हैं, उनके लिए सहायक होते हैं, वो कहलाते हैं घटक। घटक के बारे में हम जानेंगे कि घटक दो प्रकार के होते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक अर्थात जो सजीव वस्तुएं जैसे कि पेड़ पौधे, वनस्पतियां या फिर छोटे जीव जंतु जो उनके जीवन यापन में उनके आधार बनते हैं वो कहलाते हैं जैव घटक। और अजैव घटक यानी कि निर्जीव वस्तुएं जैसे कि वायु, जल, चट्टान, मिट्टी इत्यादि, ये जो हैं वो सब अजैव घटक कहलाते हैं। इन घटकों के अंदर ही सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा ये भी परिवेश के अजैव घटक में शामिल होती हैं। अर्थात वनस्पति या फिर प्राणियों के लिए जो घटक है वो भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। प्राणियों और वनस्पतियों के अनुकूलन के बारे में हमने जाना कि उनके अनुकूलन के लिए वायु, जल, प्रकाश, ऊष्मा ये सब इतने आवश्यक है कि कुछ एक प्राणी जो है जो इनके इन कारकों के बिना ना जीवित रह सकते हैं ना अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अजैव कारक वो सभी इन सजीवों के लिए इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यहाँ पर उनके अनुकूलन के बिना वो जीवित ही नहीं रह सकते हैं। कुछ एक सजीव जो होते हैं तो अत्यधिक ठंडे वातावरण में नहीं रह सकते हैं, कुछ सजीव जो होते हैं जो अधिक गर्म वातावरण में नहीं रह सकते हैं। इनके शरीर में जो एक विषम परिवेश होता है, मतलब अनेक प्रकार की जो इनमें परिवर्तन होता है, वो जीवित रहने में उनको एक विशेष प्रकार के अनुकूलन की आवश्यकता होती है। अनुकूलन एक थोड़े समय में नहीं आता है, अर्थात अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है, काफ़ी समय की अवधि के बाद में अजैव घटकों में जो परिवर्तन आता है, वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो या तो मर जाते हैं या उनका जीवन इतना कठिन हो जाता है कि वो वहाँ पर ना रहने के ना फिर अपने आप को वहाँ पर आधारित करने के लिए अपने आप को ढालने के में समर्थ होते हैं। जो अपने आप को वहाँ पर बदलने में परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं, जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम वहाँ पर के आवासों में जीवों की विविधता का होना है, अर्थात वो जो आवास में रहने वाले सजीव है उनको समय अनुसार, समय की अवधि के आधार पर उनमें विविधता आती है। वहीं पर इनके अजैव घटकों में और इनके रहने वाले जीवों में अनुकूलन का आधार होता है, यही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस चैप्टर में हमारा जो सजीवों के आवास और अनुकूलन के बारे में जो जानकारी थी, ये एक महत्वपूर्ण आधार है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे इनके आवासों की यात्रा, मतलब कुछ स्थल जो होते हैं जो इनके आवास पर जलचर, नवचर और स्थलचर प्राणियों के आवास के बारे में हम जानकारी लेंगे अगले शीर्षक में। धन्यवाद।